लॉब कब लगेगा? अभी ऐसे बजा रही है। अबे कार्य यही होगा और ऐसा सत्ता पलट देंगे कि सपने देखोगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आपने मेरा तो 2.5 लाख रुपए खर्च करा दिया। 25-26 लाख प्रसिद्धु है या तो हमारा आपका समझौता है। 2.5 लाख सबके खातों में भेज दीजिए। ज्यादा शिक्षक होता है और अगर शिक्षक अपनी ये जो डीलर वाले प्रसिद्धु है वे अपनी बागे 25 लाख आप समझ लीजिएगा। शायद कहना नहीं चाहूंगा लेकिन फिर भी कहता हूँ कि 25 लाख आपके पास भूत परिवार भी नहीं होंगे। आता नहीं खुलेगा। बहुत बढ़िया। 25 लाख आपके पास भूत परिवार भी नहीं होंगे। सब 5-5, 10-10 लोगों को करें। तुम्हारी उम्र के जो होगा शादी करके माननीय सांसद जी हुए, माननीय चारों विधायक हुए, जब तक कोई आके हमसे ज्ञापन नहीं लेगा तब तक हम ये लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। हम लोग यहाँ पे सत्यानंद शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग 23 जुलाई से कंटिन्यू लगातार लखनऊ में धरना दे रहे हैं। अभी 3 तारीख को हमने 15,000 की भीड़ के साथ लखनऊ में धरना दिया था। लाल बत्ती त्राय पे हम लोगों को मार मार के इको कार्ड में भेज दिया गया। इसके बाद 28 दिसंबर को हमने विधानसभा इतिहास में पहली बार 3 घंटे तक किसी ने विधानसभा नहीं घेरी। हम लोगों ने विधानसभा घेरी 3 घंटे तक लगातार। हम लोगों को मार मार फिर लखनऊ इको कार्ड में भेज दिया। वो 17,000 का झुंझुना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब आपकी संख्या पर्याप्त है। 21 लाख लोग हैं। 21 लाख लोगों के लिए यदि 17,000 विज्ञापन दिया जाएगा। हम लोग सरकार ये कहती है कि हमने बेसिक में 1,37,000 भर्ती की है। आप ये बता दें शिक्षा मित्र का समायोजन 1,37,000 भर्तियाँ पूरी नहीं कर पाए। लगभग 1,20,000 के आसपास ही आपने भर्ती की। 17,000 पद उसमें भी खाली हैं। इसके बाद अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था 51,112 पद। इसके बाद 5 साल में पर ईयर 15,000 के हिसाब से रिटायरमेंट होते हैं। इसका बेसिक शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि लगभग 56 लाख लोग नए एडमिशन हुए हैं। जब 56 लाख नए एडमिशन हुए तो लगभग नए पद सृजित 1,80,000 हो गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए क्या आपने डाटा सिर्फ यूनो को दिखाने के लिए दिया? क्या, क्या मांग है कि हमारी मांग ये है कि हमको 97,000 शिक्षक भर्ती चाहिए, वो भी आचार संहिता से पहले। थैंक यू।